हाय श्रेया। हेलो। हाय। हाँ निखिल बोलो। एक्चुअली बहुत दिनों से कुछ बोलना था यार तुम्हें। तो सुन रही हूँ, बोलो ना। कुछ नहीं ऐसे ही। भाई तुम तो इतने नर्वस हो रहे हो जैसे मुझे डेट के लिए पूछने वाले हो। एक्चुअली हाँ, वुड यू लाइक टू गो ऑन अ कॉफी डेट विद मी? श्योर, कब चलना है? अभी चलते हैं। मनोज भाई दो कॉफी ले आओ भाग के। निखिल ऐसे ऑफिस में? हाँ सही तो है, ये सेम कॉफी बार 475 की मिलती है विद जीएसटी, ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डलवा लो 75 रुपए एक्स्ट्रा मांग लेते हैं। डिस्गस्टिंग। अंडरपेड लोगों की लाइफ में तो प्यार भी नसीब नहीं होता। कोई ऐसी जॉब लग जाए इसकी इनवॉइस भरूं, कोई काम धाम नहीं, फुल सैलरी क्रेडिट हो रही अकाउंट में। ऑफिस जा भी रहे तो सिर्फ फन फ्राइडे में पार्टी करने के लिए, मजे ही मजे। 18 घंटे बाद उठ रहे हैंगओवर में, फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बीमारी के नाम पे, फीलिंग सैड का स्टेटस डाल रहे हैं, एचआर घबरा जा रही है, 50% अप्रेजल कर दे रही है, बॉस के साथ टूर पे टूर लग रहा है थाईलैंड के, एक महीने में 3 बार एम्प्लॉई ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत रहे हैं, सारी लेडीज एम्प्लॉय प्रपोज कर रही है, दहेज देने के लिए रेडी, टॉप साइड पे पड़े हुए हैं, कभी दुबई कभी दोहा, 30-30 लाख के चेक आ रहे अकाउंट में। हेलो। हाँ पापा, वो याद है आपको कॉलेज टाइम पे खर्चे के लिए 5,000 रुपये भेजते थे आप मुझे? हाँ नहीं याद आ रही थी, नहीं आपकी नहीं, 5,000 की आ रही थी, एक बार भेज दो या फिर से नॉस्टैल्जिया हो जाएगा थोड़ा। हेलो क्या निठल्ली वाला? हेलो हेलो पापा। हेलो। हाँ भैया एक चिकन बिरयानी कर दो फुल। गाइज मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, कुछ मंगवाना तुम लोग को है? एक पास्ता। एक पास्ता है क्या भैया? पास्ता हाँ एक पास्ता कर दो। एक पालक राइस। एक पालक राइस है? हाँ पालक राइस कर दो। नूडल्स कर देना भैया एक। हाँ और वो मेरा जो चिकन बिरयानी है ना वो कैंसिल कर दो। हाँ जल्दी भेजो अभी तुरंत, जल्दी। हाँ ओके, मैं तो तुम लोगों में से शेयर कर लूँगा यार थोड़ा। यू नो शेयरिंग इज केयरिंग। अंडरपेड मचा दे भाई। बॉस का कप, एचआर का कप, मैनेजर का कप, वर्ल्ड कप, ये तो नकली है यार, असली वाला ऑस्ट्रेलिया के पास है। यहाँ कॉफी मग्स में भी हायरार्की होती है, और मैं ये ओवरपेड और अंडरपेड एम्प्लॉय के कप का डिफरेंस खत्म कर देना चाहता हूँ। ज़रूरत और मजबूरी में फ़र्क पता है आपको? ज़रूरत होती है जॉब, और मजबूरी होती है उसी जॉब को 2.5 साल बिना अप्रेजल के घिसा के रिगड़ के मरा के कर। सो निखिल। जी मैम। यू आर अ वैल्यूएबल एम्प्लॉय टू द कंपनी। थैंक यू। आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू काफ़ी अच्छी आई है, आपके कलीग्स ने भी आपकी काफ़ी अच्छी फीडबैक दी है। फिर तो इस बार अप्रेजल हो ही जाएगा मेरा। सॉरी अप्रेजल नहीं हो सकता इस साल। क्यों? इन्वेस्टर्स और कंपनी दोनों ही बहुत लॉस में चल रहे हैं। एक मिनट, कंपनी को तो 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो तुम्हें पता चल गया मैनेजमेंट की तरफ से टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर 20% हाइक। कोई पैदाइशी अंडरपेड नहीं होता, एक एम्प्लॉय को अंडरपेड बनाती है उसकी मजबूरी और ये एचआर वाले। क्या हुआ भाई, एचआर ने गोली दे दी क्या फिर से? ये दिया इतना बड़ा ठस्सा फिर से? अबे तू ये अप्रेजल के चक्कर छोड़ यार, एमबीए करना। पागल है क्या? दोबारा से पढ़ाई करने का ना मोटिवेशन है मुझे, ना टाइम है मेरे पास, तू पता नहीं कैसे कर रहा है। भाई मुझे मल्होत्रा की तरह कैबिन में बैठकर अपने बाल सफेद नहीं करने ना, इसलिए मैं टाइम से कैट की कोचिंग कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से भी स्कूल जाऊँ और मोटा सा पैकेज उठाऊँ। सही है भाई, डेडिकेशन है ऑफिस के साथ मैनेज करना ही। हाँ भाई डेडिकेशन के लिए अपनी सैलरी स्लिप देख लेता हूँ, तुरंत मोटिवेशन आता है। Merry Christmas.
भाई, तू किसका सीक्रेट सेंटा है? इसे सीक्रेट ही रहने देते हैं। Oh my God, it's a necklace. Guys, I got a necklace. It's so pretty, so nice. I love it. याद रखना, मर्द हमेशा अपनी पसंदीदा औरत के लिए अपनी और अपने क्रेडिट कार्ड दोनों की लिमिट पुश करता है, चाहे वो कितना भी अंडरपेड क्यों ना हो। कहाँ से चुराया भाई? चुराया नहीं है भाई, 18 महीने की EMI पर लिया है। प्यार में बहुत खर्चा हो गया यार, कोई फ्रीलांस दिलवा दे अपने पापा से बोल के। अरे पापा खुद मम्मी की दुकान में काम करते यार, मम्मी का बुटीक है, पापा दर्जी है। श्रेया, कैसा लगा गिफ्ट? ये तुमने दिया? I loved it. पता है नेकलेस मेरे लहंगे के साथ बिल्कुल मैच करेगा। कब पहन रहे हो लहंगा? अपनी शादी में। तुम्हारी शादी हो रही है? कब, कहाँ, किससे? विकी से। बहुत अच्छा लड़का है। अरे इतना अच्छा नहीं होगा, मैं बेटर हूँ, I know. Obviously तुमसे अच्छा है। विकी की 6-pack abs है, 6 feet height है, 6-figure salary है, 6,000 square feet का घर है और sector 6 में खुद का startup भी। यार श्रेया। निखिल, I know you have feelings for me, but कुछ नहीं हो सकता, I'm so sorry. ठीक है, एक लास्ट बात बोलनी थी तुम्हें। बोलो। तुम्हारे पति के पास कोई फ्रीलांस काम होगा तो कनेक्ट करवा दो यार। पैथेटिक। अरे अरे आओ। हर मनोज को उसकी श्रद्धा नहीं मिलती जो उसके स्ट्रगल में उसका साथ दे। Mr. Freelancer, cabin में मिलो। Have some bolts and say. No sir, I'm good, thanks. अच्छा, कंपनी के पैसों का नहीं खाओगे, फ्रीलांस के पैसों का ही खाओगे। वैसे फ्रीलांस करके तुमने कुछ पैसे तो जमा कर लिए होंगे ना, क्योंकि नौकरी जाने के बाद सेविंग्स ही काम आती है। नौकरी सर? Exactly. You are fired. नो सर, प्लीज सर, ऐसा मत करो सर, प्लीज सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। मैंने इतना कुछ दिया है इस कंपनी को सर, प्लीज कुछ तो हो सकता है सर। हाँ, आपने इतना कुछ किया है तो हम भी तो कर रहे हैं आपके लिए, हम भी दे रहे हैं आपको। क्या? मेरी सिंपैथीज। तो मतलब फुल एंड फाइनल है सर? यस, आउट। सर आई वुड लाइक टू हैव सम बॉल्स। 2.5 साल काम किया सर आपके अंडर, इतना कुछ सीखा है आपसे, इतने सक्सेसफुल हो आप, इतने मेहनती, इतने कर्मठ, लेकिन आदमी एक नंबर के सुअर ही हो। क्या क्या? अरे कट आउट। और भाई मार ली पैर पे कुल्हाड़ी? तू भी तो जा ही रहा है। भाई मैं जा रहा हूँ अपने ड्रीम कॉलेज से MBA करने। मेरी जिंदगी बदलने वाली है और तेरी जॉब बदलने वाली है। हम दोनों सेम नहीं है भाई, बहुत फर्क है। हाँ पता है भाई, पर जो हुआ सही हुआ। ये तू कह रहा है जो अभी तक अप्रेजल के लिए भीख मांगता रहता था? अबे सुन, रिलेशनशिप हो या जॉब, सैचुरेशन आ जाए तो छोड़ देना चाहिए। आई थिंक आई डिजर्व एटलीस्ट 8 LPA। लेट्स फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। 6.5 LPA साउंड्स गुड। पता है ना, मजबूरी और जरूरत में हमेशा मजबूरी जीत जाती है। Hey guys, I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यार मुकुंद का डिसीजन तो एकदम सही था ना MBA करने का? मैं भी सोच रहा हूँ टाइम से कैट की प्रिपरेशन शुरू कर ही दूँ। Obviously, क्योंकि टाइम प्रोवाइड्स द बेस्ट ट्रेनिंग टू गेट इनटू द टॉप B स्कूल। अगर आप भी अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो ज्वाइन टाइम्स ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस टुडे। और हाँ, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द टाइमलाइनर्स।